मैंने सोचा था कि तुमसे अकेले में मिलूंगा। क्यों? अकेले में क्यों मिलोगे? कुछ बातें करूंगा तुमसे। और मैं सोच रहा हूँ कि सिकंदर का भी विवाह कर देते हैं। सौ बिस्मिल्ला, चलो अच्छा है, उसके सर पर भी सेहरा देख लेंगे। क्या सोच रहे? सोच रहा हूँ कुछ, तू भी तो मेरे आंगन की चिड़िया ही है, एक दिन उड़ जाएगी, बहुत याद आएगी। मसला ये है कि मुझे बुशरा की शादी इस हवेली में करानी है सिकंदर के साथ। तो किसने मना किया? आप कराइए ना। तुम अपनी माँ के कान में ये बात डाल दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। चल अब बस जल्दी कर, आसिया बीबी की बारात है इसलिए हवेली जा रही हूँ, कल से नहीं जाऊंगी। क्यों? दिल नहीं करता यार। चोरी तनवीर नहीं आया। उसी का है। हेलो जी चोरी साहब जी। अच्छा कोई बात नहीं चोरी साहब, घर वाली बात है। हाँ आप माँ जी को हॉस्पिटल लेकर जाएं। हाँ परसों वलीमा है, और हाँ शैला बेटी को जरूर साथ लाना। जी ठीक, ओके, अल्लाह भाई अल्लाह भाई। चौधरी तनवीर का फोन था, वो माँ जी को फालिज का अटैक हुआ, उसे हॉस्पिटल लेके गया। अल्लाह रहम करे। परसों वलीमे पे जरूर आएगा, मैंने उसे कहा है कि शैला बेटी को जरूर साथ लेकर आए। मैं तो परसों ही शैला की और सिकंदर की शादी की बात पक्की कर लूंगा। वैसे चौधरी जी, सिकंदर के लिए एक कुड़ी मैंने भी देखी है। वो कौन है? बाद में बताऊंगी। अच्छा अभी तो आप पता करें ना, बारात कहाँ तक पहुंची है, फोन करें। अच्छा मैं करता हूँ पता। एक बात कहूं जीना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। एक बात कहूंगी मैं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ले भाई जुबैदा, आज फिर पेशी है। मैं पहले कचहरी जाऊंगा फिर फैक्ट्री जाऊंगा, और इकबाल उठे तो उसे फैक्ट्री भेज देना। ठीक है चौधरी जी, जैसे ही उठेगा ना मैं भेज दूंगी। हाँ मुझे याद आया, वो सुबह सुबह समधी जी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि वलीमे के बाद दो तीन दिन हम मुल्तान में रहेंगे फिर कराची जाएंगे। वैसे जुबैदा अपनी बेटी आसिया का रिश्ता बड़े ही अच्छे घराने में हो गया। हाँ चौधरी जी, मौला का बड़ा कलम है। आज मैं कौसर और सिकंदर जा रहे हैं मुकलावा लेने। अच्छा अच्छा ठीक है। और जुबैदा मैंने तुझे एक और भी बात बतानी थी, और वो चौधरी तनवीर है ना,
वो कल आएगा वलीमे में अपनी बेटी के साथ। और उसकी बेटी शैला लंदन से पढ़ के आई है और बड़ी दीनदार और बाप की इज्जत रखने वाली लड़की है। भाई मुझे तो बड़ी पसंद है। अल्लाह करे अपने सिकंदर का रिश्ता उस घराने में हो जाए ना, तो बड़ा मजा है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ, मैंने कब तेरी बात नहीं मानी। क्या चौधरी जी, जबान देने से पहले अगर आप सिकंदर से पूछ लेते तो। मैं तो जबान दे चुका हूँ, तू फिक्र ना कर। और सिकंदर मेरा बेटा है, जो बाप की पसंद होगी वो उसकी पसंद होगी। चौधरी जी, मैंने बुशरा और सिकंदर को एक दूसरे से बात करते हुए देखा है। मुझे तो लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे तू फिक्र ना कर, मैं वापस आके ना शाम को खुद सिकंदर से बात करूंगा। हाँ हाँ, मैं भी ख्वाब देखती हूँ।